हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे बॉटनी के अंदर एक नया टॉपिक। हमारा जो ट्रांसपोजन परिवर्तनशील तत्व थे वो सभी क्लियर हो गए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट्स देता हूं, जिसे अपने जीवन में उतारना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने साकार ना हो सके। तो भाई, किस्मत कुछ नहीं है, सब मेहनत है। मेहनत करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। कई बंदे मैंने देखे हैं, यार किस्मत खराब थी इसलिए नहीं हो पाया, परंतु किस्मत कुछ भी नहीं है, मेहनत है। कड़ी मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी के अंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर यदि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचना है कि अपने चैनल पर एक सुपर सीरीज चलाएंगे, जो कि मैं एक अलग सर को लगाऊंगा, जो वो यही बताएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सभी इस चैनल पर बताएंगे। उन क्वेश्चनों से आपके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ। उन क्वेश्चनों से बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। गई बार 7 क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मिले थे, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर 7 क्वेश्चन मिले थे। तो इस बार तो मैं और अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। और जो मैं टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ उनके आप नोट्स बनाते चलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा कला। तो देखिए, प्लाज्मा कला जो होती है ये टॉपिक है। और यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए प्लाज्मा कला पर, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। छोटा क्वेश्चन यहां से बनेगा नहीं, बड़ा ही क्वेश्चन बनेगा कि प्लाज्मा कला जो है इस पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मैं जो प्लाज्मा कला टॉपिक आपको करवा रहा हूं उसके अंदर संक्षिप्त आ जाएगा। देखिए, संक्षिप्त आ जाएगा। तो प्लाज्मा कला है, इसके बारे में कीजिएगा आप, तो इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। पहले देखिए, प्लाज्मा कला जो होती है, कोशिका के अंदर आने वाले तथा इससे बाहर जाने वाले सभी पदार्थों को प्लाज्मा कला से होकर गुजरना पड़ता है। एक बात तो ये है इसकी, प्लाज्मा कला को नॉर्मल देखिए, हमने 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर पढ़ा है कि प्लाज्मा कला क्या है। जो एक तो देखिए, कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ, बाहरी पदार्थ अंदर जाए या अंदर से बाहर आए, तो उसे प्लाज्मा कला से होकर तो गुजरना पड़ेगा। समझ में आई बात, कि प्लाज्मा कला से तो होके उसको गुजरना पड़ेगा। तो कोशिका के, आप समझ गए होंगे कि कोशिका के जिस प्रकार से बाहर एक झिल्ली होती है, एक अंडा होता है, एक अंडे को देख सकते हैं आप, उसके जो उसका बाहरी आवरण होता है, उसके आंतरिक एक झिल्ली होती है, झिल्ली होती है। तो यदि हम उस अंडे के अंदर यहां से कोई कील वगैरह डालते हैं, कोई बाहरी पदार्थ डालते हैं समझने के लिए, तो वो उस झिल्ली को तोड़कर अंदर जाएगा झिल्ली में होके, यदि मतलब उस झिल्ली के होके ही अंदर जाएगा ना, उसी प्रकार से इसको आप सेल्स मान सकते हैं, अर्थात कोशिका मान सकते हैं। और कोशिका के अंदर ये मान लो, सपोज करो प्लाज्मा कला है, तो यहां से होके कोई भी बाहरी पदार्थ है जो अंदर जाएगा, तो इससे इसके होकर ही जाना पड़ेगा, इसमें होकर ही जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार प्लाज्मा कला जो है उसको क्या है कि कोशिका के बाहरी जो पदार्थ होते हैं, बाहरी पदार्थों को प्लाज्मा कला से होकर गुजरना पड़ता है। यह आवागमन अणुओं के आकार, विसरण, कणों, विद्युत आवेश, उनके लिपिड में विलेयता और कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों का सांद्रण पर निर्भर करती है। तो देखिए, पहले मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं, वहां से आप इसको लिख लीजिएगा, फिर हम इसे समझेंगे। तो स्क्रीन पर लगा दिया है मैंने, आप यहां से लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, तो आपके इतना तो समझ में आ गया कि जो प्लाज्मा कला होती है, क्या होती है, प्लाज्मा कला होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर आने वाले तथा इससे बाहर जाने वाले सभी पदार्थों को प्लाज्मा कला से होकर गुजरना पड़ता है। यह आवागमन अणुओं के आकार, विसरण, कणों के विद्युत आवेश, यह आवागमन कण जो होते हैं, आवागमन कणों के विस्तार, आवेश, विद्युत आवेश, इन सभी पर निर्भर करती है, इनके विस्तार पर निर्भर करती है, विसरण पर निर्भर करती है।
आगे देखिए इसका एक नंबर लगाएंगे हम प्लाज्मा कला के जो मुख्य वो है उनको फटेंगे। तो इसका एक नंबर आप लगाइए और लिखिएगा पारगम्यता। तो पारगम्यता का मैं एक आपको शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, तो इसको आप पहले समझ लीजिए फिर बाद में मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा वहां से आप लिख लेना कि पारगम्यता जो होती है। देखिए पारगम्यता का मतलब होता है यदि कोई मतलब सेल्स है कोई कोशिका है उसके अंदर किसी पदार्थ जो है कि मतलब अंदर जा रहा है तो वो उसको पार करके ही जा रहा है, उसको पार करके जा रहा है इसलिए उसे पारगम्यता मतलब वो वहां पे होके जाएगा इसलिए कहते हैं पारगम्यता। तो धनात्मक पारगम्यता और ऋणात्मक पारगम्यता दो होती है। धनात्मक पारगम्यता का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है और ऋणात्मक का मतलब वो उसका विरोध करेगी, वो जो कोशिका कला होती है प्लाज्मा कला होती है जो उसको नहीं जाने देगी, ऋणात्मक पारगम्यता फैलाएगी। तो पारगम्यता जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सेल्स होती हैं जिनके अंदर कोई चीज पारगम्य होती है और कोई नहीं होती है तो उसी को यहाँ पे देखेंगे पारगम्यता जो है। देखिए इसको मैं पहले आपको बता देता हूं, प्लाज्मा कला चयनात्मक कला है। एक प्लाज्मा कला जो होती है इसे आप चयनात्मक कला भी कह सकते हैं। क्या? चयनात्मक कला। चयनात्मक कला क्यों कहेंगे? क्योंकि यह वही उन्हीं पदार्थों को अंदर मतलब चयन करके ही अंदर आ सकते हैं, वे पदार्थ जिनको यह पहले चयन करेगी, पहले यह देखेगी भाई ये अंदर जा सकता है तो वही अंदर जा सकेगा वरना अन्य पदार्थ अंदर नहीं जा सकता है। ये नहीं है कि सभी पदार्थ अंदर जाएंगे, बाहरी तो बाहर तो बहुत से पदार्थ हैं वो थोड़ी अंदर जा सकते हैं, चयनात्मक पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं। तो आगे देखिएगा प्लाज्मा कला चयनात्मक कला है इसलिए यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थ के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के साथ कोशिका द्रव में घुलनशील पदार्थों की सांद्रता में भिन्नता बनाए रखती है। ये क्या करती है? जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनके साथ जो कोशिका के अंदर जो होते हैं पदार्थ कोशिका के अंदर होते हैं उनके अंदर भी सांद्रता बनाए रखती है क्योंकि ये एक चयनात्मक झिल्ली होती है। और घुलनशील पदार्थ जो होते हैं अब कोशिका द्रव के अंदर जो घुलनशील पदार्थ हैं कोशिका द्रव के अंदर घुलनशील पदार्थ उनका भी सांद्रण ये रखती है। आगे देखिएगा प्लाज्मा कला से होकर कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त रूप से गुजर सकते हैं। देखिए प्लाज्मा कला है, ये प्लाज्मा कला है, यहां से कुछ पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये तीन ऐसे पदार्थ हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल जो कोशिका के प्लाज्मा कला को पार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं मतलब ये इस जल मुक्त रूप से गुजर सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है, प्लाज्मा कला मना ही नहीं करेगी इनको। जब प्लाज्मा कला को क्या है एक देसी भाषा में आप समझिए कि प्लाज्मा कला सेल्स जो कोशिका होती है उसके अंदर प्लाज्मा कला है, इसका पहला कार्य क्या है कि कोशिका जो है इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है मान लो ये कोशिका द्रव्य है तो इसके अंदर भी ये क्या करती है जो ये द्रव्य पदार्थ होते हैं इसके अंदर इनकी भी ये सांद्रता को भिन्नता सांद्रण को भिन्न भिन्न रखती है, इनको मिलने नहीं देती है, भिन्न भिन्न रखती है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि ये जो ये कोशिका होती है इसके अंदर इसके मतलब इसको देसी भाषा में कि प्लाज्मा कला के सगे संबंधी कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। भाई ये तो सगे संबंधी है, इनको तो ये मनाई नहीं करेगी, आ जाओ भाई तुम तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये तो कभी भी आ सकती है, इनके रोक टोक नहीं है और बाकी जो पदार्थ है उनके रोक टोक है, इसका मतलब तो यही है। आगे देखिए जबकि अन्य पदार्थ जैसे सोडियम आयन प्रोटीन तथा पॉलीसैकेराइड कठिनाई से अत्यधिक गुजर सकते हैं, जबकि अन्य आयन जो होते हैं देखिए ये तीन तो आसानी से जा सकते हैं अंदर परंतु जैसे कि अन्य आयन जैसे सोडियम पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन सोडियम और पॉलीसैकेराइड ये ऐसे तत्व हैं इनको तो भाई ये विरोध करती है आने से, बहुत ही मुश्किल से आने देती है। क्या करने देती है?
कठिनाई से अत्यधिक गुजर सकते हैं। भाई गुजरेंगे तो ये भी, परंतु गुजरेंगे कैसे, कठिनाई से गुजरेंगे। तो एक बात आपके समझ में आ गई कि प्लाज्मा कला जो होती है, पहली बात तो इसकी ये है कि ये बाहरी पदार्थों को एक चयनात्मक रूप से अंदर आने देती है। जो हमारे शरीर के, ये नहीं है कि बाहरी पदार्थ वातावरण ले लीजिए आप, आपके शरीर के अंदर जो कोशिका होगी, शरीर के अंदर आपके पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड, आयन, सोडियम, ये सभी, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी पाए जाते हैं। तो उनको ये अंदर आने से तो रोकती नहीं है इनको तो, परंतु जो आयन होते हैं, सोडियम होते हैं और पॉलीसेकेराइड होते हैं, इनका ये क्या करती है, विरोध करती है, अर्थात इनको आने में मना करती है, परंतु ये जबरदस्ती अंदर आ तो जाते हैं। भाई आए, ये पॉलीसेकेराइड आयन, सोडियम पॉलीसेकेराइड, ये आएंगे तो सही अंदर, परंतु ये कठिनाई से आएंगे। आगे क्या है, आगे है कम अणुभार वाले पदार्थ प्लाज्मा कला के अंदर तथा बाहर आसानी से जा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि वे पदार्थ जो कम अणुभार वाले होंगे, क्या होंगे, वे कम अणुभार वाले पदार्थ होंगे, वही कोशिका कला के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो देखिए एक बात आपके समझ में आ गई, प्लाज्मा कला जो है उसके अंदर वही पदार्थ अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं जिनका अणुभार कम होगा, और जिसका अणुभार अत्यधिक है वो नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल स्टॉक है भाई। आगे देखिए, आगे है किंतु अधिक अणुभार वाले पदार्थ का नियमन प्लाज्मा कला में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा होगा। भाई अधिक अणुभार वाले भी जाएंगे, परंतु वो क्या होगा, प्लाज्मा कला के अंदर जो नियंत्रित छिद्र होते हैं उनके द्वारा ही वे अंदर जा सकते हैं, परंतु ये जो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कोई छिद्र की आवश्यकता नहीं है, ये तो उसकी सतह से भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आगे क्या है, आगे कला की पारगम्यता, ये जो प्लाज्मा कला की पारगम्यता पोटेशियम आयन के प्लस की सांद्रता में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। पोटेशियम आयन के प्लस की सांद्रता के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, जो प्लाज्मा कला है इसके अंदर भी आपको परिवर्तन मिलेगा, जो भी पोटेशियम के प्लस आयन के साथ साथ मिलेगा। आगे देखिए, प्लाज्मा कला के द्वारा कोशिका विभिन्न पदार्थों का अवग्रहण, विभिन्न क्रियाओं जैसे पराशन, कोशिकाशन, कोशिका पायन तथा सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन द्वारा करता है। देखिए पराशरण, निष्क्रिय अभिगमन, विसरण, देखिए ये जो प्लाज्मा कला होती है इसके अंदर आने की जो क्रिया होती है इन पदार्थों की, एक तो विसरण द्वारा होती है, एक पराशरण द्वारा होती है, एक विसरण द्वारा होती है, एक पराशरण, निष्क्रिय और सक्रिय, निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन द्वारा भी करती है। तो देखिए दोस्तों, पहला पारगम्यता जो है किस प्रकार से अपने अंदर किसी पदार्थ को आने देती है और किसी को जाने देती है, तो ये बात तो आपके समझ में आ गया। तो पारगम्यता को आपने समझ लिया, अब इसका मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप लिख लीजिए, पारगम्यता को अच्छी तरह से लिखिएगा, फिर अगला करेंगे। तो पारगम्यता मैंने स्क्रीन पर आपके लगा दिया है, यहां से आप लिखिए, फिर हम दूसरा नंबर डाल के करते हैं। प्लाज्मा कला का जो दूसरा गुण है, दूसरा वो है, उसको करेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक कर लिख लेना। फिर अब करते हैं दूसरा, देखिए दूसरा नंबर लगा के अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर लगा के आपको लिखना है क्या, परासरण, क्या लिखना है, परासरण। तो परासरण आपको यहाँ पे लिखना है, परासरण आप लिखिए, दो नंबर लगा के आप परासरण लिख सकते हैं। दो नंबर में क्या लिखेंगे, परासरण, परासरण, अब देखिए मेरे दोस्तों परासरण को समझते हैं, फिर आपके मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप लिख लेना। तो देखिए परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल या गोलक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। देखिए परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, जिसके अंदर क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं। क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए, ये कोई मतलब पात्र है, क्या है, एक पात्र है, इसके अंदर मैं ऐसे लगा देता हूं कि ये कोई पात्र है, समझने के लिए कर रहे हैं अपन, कोई इसका राइट चित्र नहीं है ये,
ये कोई पात्र है। तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको ये लगा देता हूं, क्या एक परत, ये पात्र है। अब इसके अंदर क्या है कि इधर मैंने भर रखा है क्या कोई अलग पदार्थ और इधर भर रखा है कोई अलग पदार्थ। तो इधर तो मैंने कम भर रखा है भाई, यहां तक तो मैंने कम भर रखा है, इधर भर रखा है इतना। तो आप एक बात बताइए कि इसकी इसकी जो इसका मान अधिक होगा या इसका होगा, तो ये अधिक है ना। तो परासरण के अंदर क्या होता है आपके, वह प्रक्रिया है जिसमें जल या गोलक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चले जाते हैं। तो इधर तो इसकी सांद्रता क्या होगी, उच्च होगी, क्या होगी, उच्च होगी, क्या होगी, उच्च होगी, और इधर क्या है, निम्न है। तो ये जो अणु क्या करेंगे, परासरण के अंदर एक ऐसी वो होती है जो ये अणु होते हैं ये नीचे जाएंगे और इसके बराबर सांद्रता का, परासरण का मतलब होता है इसके बराबर कर देंगे, अर्थात जल के वे अणु जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं क्या कहलाता है, परासरण के अंदर मुख्य क्या है। इसके अंदर मुख्य यही है कि इस प्रक्रिया के अंदर आपके जिसमें जल या गोलक के अणु, कोई भी गोलक है या जल है, उसके अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि इसके अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणु गति करते हैं। आगे देखिए, यह है क्रिया एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। अब देखिए ये परत जो है ये भी किसकी लगा दी हमने, अर्ध पारगम्य झिल्ली की लगा दी। ये जो क्रिया होती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है होती है जो कि उच्च सांद्रता वाले तथा निम्न सांद्रता वाले गोलों को पृथक करती है। जो देखिए अब यहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो पात्र है इसके अंदर मैंने ये अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी और इधर इसकी उच्च सांद्रता और इधर इसकी निम्न सांद्रता, इधर तो मैंने पूर्ण इतना जल से भर दिया और इधर कम भर दिया। तो ये जो झिल्ली क्या होती है, ये जो कण होंगे इधर जो H2 अर्थात जल होगा, इनके कणों को इधर होके धीरे 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 परासरण होके उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आएगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक इनकी सांद्रता क्या हो जाएगी, बराबर नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों समझ में आ गया, जब तक इनकी सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी तब तक ये विसरण मतलब परासरण होता रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, कोशिका में कोशिका द्रव्य बाहर के माध्यम की अपेक्षा अधिक सांद्र होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य बाहर के माध्यम की अपेक्षा अंदर अत्यधिक सांद्र होता है, इस कारण कोशिका के अंदर के पदार्थों को बाहर विसरित नहीं होने देती है। देखिए कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनको यह बाहर विसरित क्यों नहीं होने देती है, क्योंकि आंतरिक सांद्र अधिक होता है। तो देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि जल के कोशिका के अंदर जाने का अंतःपरासरण तथा बाहर आने का बाह्य परासरण। देखिए जल जो है एक मैं मतलब इसको जो मैंने आपके समझाने के लिए चित्र बनाया था इसे अब साफ कर देता हूं। अब हमारे पास सटीक आंसर और सटीक चित्र आ गया है। तो देखिए अभी ये कोई सेल्स है, ये कोई कोशिका है, माना कि ये कोई सेल्स। तो इसके अंदर क्या है कि आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं, एक पात्र ले लिया हमने, क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया। इस पात्र के हमने हमने जल भर दिया, क्या भर दिया, जल भर दिया। और इसके अंदर मैंने किशमिश के दाने पड़क दिए, क्या पड़क दिए, किशमिश के दाने पड़क दिए। और एक घंटे के बाद में इस पात्र की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी आपको पता है, इसके अंदर जो किशमिश होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये किसके कारण हो रहा है भाई, ये परासरण के कारण हो रहा है, परासरण के कारण जो किशमिश के अंदर अंदर जल चले जाता है उस वजह से वो फूल जाती है, परंतु उसके अंदर से जल बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, परासरण के कारण, क्योंकि उनकी सांद्रता अंदर अधिक होती है वो। तो इसी प्रकार ये सिर्फ समझने के लिए था आपके। अब देखना आप आगे क्या है, अब इसके अंदर जो जल जाएगा, माना कि ये कोई किशमिश थी, इसके अंदर जो ये जल जाएगा वो तो कहलाएगा अंतःपरासरण, क्या कहलाएगा, अंतः
पराशरण। और यदि ये जल इसके अंदर से क्या बाहर आएगा तो ये क्या कहलाएगा, बाह्य पराशरण। समझ में आ गया, अंदर जाता है तो अंतःपराशरण और बाहर जाता है तो क्या बाह्य पराशरण। आगे देखिए, उनकी कई पदार्थ जो कि विद्युत अपघट है नहीं है, उनकी पारगम्यता उनकी वसा में घुलनशील के आधार पर होती है। कई पदार्थ जो क्या होते हैं विद्युत अपघटन नहीं होते, उनकी पारगम्यता क्या होती है, उनकी घुलनशीलता के आधार पर होती है। वसा में अधिक घुलनशील पदार्थ वसा में कम घुलनशील पदार्थों की अपेक्षा अधिक सुगमता पारित होती है। तो देखिए दोस्तों, ये था पराशरण। अब इसका मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से आप इसको एक बार लिख लीजिए, समझा मैंने आपको दिया है। फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसका। अगला जो है वह है निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। तीन नंबर लगाकर लिखेंगे आप निष्क्रिय अभिगमन देखो आपको लिखना है निष्क्रिय अभिगमन निष्क्रिय अभिगमन और या विसरण। देखिए दोस्तों, आपने 12th क्लास के अंदर को पढ़ा है पराशरण और विसरण। वैसे इसके अंदर समझने की बात एक ये है कि पराशरण के अंदर क्या होता है, जल जो कम सांद्रता की ओर गति करता है, और विसरण के अंदर क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। तो आप ये लगा लीजिए, इसको लगाने के बाद में आप लिखिएगा यहां पर निष्क्रिय अभिगमन या विसरण। इसे हम फिर देखते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लाइक करें। और मैं आपको एक बात कह दूं कि यार आप लाइक नहीं करते हो, मेरे बहुत से स्टूडेंट वीडियो देखते हैं परंतु वो लाइक वगैरह करके नहीं जाते हैं। यार हौसला हमारा भी उसी से बढ़ता है। देखिए तो एक बात जय है कि बुधवार से आपकी कोशिश करूंगा मैं, जो हमारे मनीष सर थे उन्होंने हाँ कर लिए हैं, वो क्लास लगाएंगे आपके जूलॉजी की, बॉटनी की मैं ले रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाद में करेंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बाद में आपको करवा दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।